जब बैठेंगे ना दोनों को यार क्या ही फील आएगा, मतलब एक अलग सा एक रोमांस, रोमांटिक टाइप का फील आएगा, रोमांस बोल रहा हूँ गलती। तो यार जो कपल्स लोग जो वहाँ पे जो उस साइड जो बैठेंगे उन लोग अगर सामने अगर ये चीज़ देखने को मिलेगा तो उन लोग को यार गजब का एक फील होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लाइट ऑफ करने के बाद जो व्यू है कुछ इस प्रकार का दिखता है। यहाँ पे आप लोग मेन्यू देख सकते हो, मेन्यू को अगर हम फर्स्ट लें यहाँ पे लिखता है लिखा हुआ है बाइट मी कैफे, ये कुछ इस तरह से ऐसे लग जाता है जो कि कपल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और सिक्योरिटी है, फुल सिक्योरिटी है जो कि आपको यहाँ से मुझे नहीं लगता यहाँ के अलावा और कहीं केविन में आपको मिलेगा यहाँ का सिक्योरिटी या यहाँ का लोग। सो गाइस इसको तो फिलहाल अभी लगा दिए हैं, फिलहाल अभी चलते हैं जो स्पेशली जो दो कपल्स आएंगे ओनली, ज़्यादा लोग नहीं। सो इसके अंदर बैठ के देखते हैं कि यहाँ का जो फील है वो कैसा आता है। एंड गाइस यहाँ पे मैं बैठ चुका हूँ और ये इतना ही सा स्पेस है, जगह मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो इतना तो कुछ एरिया में बच जाता है। जो मेरे पार्टनर होंगी जो आएंगी मेरे साथ वो बैठेंगे, मेरे साथ ही नहीं आप लोग के साथ भी आ सकते हैं जो आप उन्हें लेकर आना चाहोगे। सो फिलहाल तो मैं वैसे अभी अपने भाई के साथ आया हुआ हूँ। सो हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक विथ अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स आज हम आए हुए हैं त्रिभुवन स्कूल के जस्ट बगल में और आप लोग पीछे हमारा यहाँ पे देख सकते हो बाइट मी कैफे। तो फिलहाल मैं अभी यहीं पे आया हुआ हूँ और यहाँ का थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे रिव्यू करता हूँ। फिलहाल अभी चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं अंदर का क्या है सीन क्या नहीं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाइट मी कैफे फास्ट फूड, एंड फिलहाल अभी चलते हैं ऊपर और ऊपर जाने का रास्ता कुछ यहाँ से है। तो फिलहाल चलते हैं अंदर और अंदर का रिव्यू दिखाते हैं, बाहर से तो काफ़ी बेस्ट लग रहा है देखने में। जैसे ही ऊपर जाने का रास्ता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी पूरा लिखा हुआ है फ्री ऑन डिलीवरी अबव 300, एंड यहाँ पे दो नंबर दे रखे हैं। सो फ्रेंड्स जैसे ही आप यहाँ अंदर में आओगे तो बाहर का जो बालकोनी का जो सीन है वो कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे दो चेयर लगा हुआ है एंड यहाँ पे बाइट मी कैफ़े लिखा हुआ है फूड कैफ़े और ऊपर में कुछ लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं। सो काफ़ी बेस्ट लग रहा है यहाँ पे देखने में आप लोग देख सकते हो, और ये है बाहर बालकोनी का सीन यहाँ पे। और अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, शाम के अभी फिलहाल 6:30 हो रहे हैं। सो फिलहाल अभी देखते हैं कि अंधेरा होने में यहाँ का जो व्यू है वो कैसा रहा। ये जो गेट दिख रहा है ये फिलहाल अभी अंदर एंट्री करने का गेट है एंड फिलहाल अभी चलते हैं अंदर। फिलहाल अभी कैफ़े के अंदर आ चुके हैं और पीछे का आप लोग व्यू देख सकते हो। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ का डेकोरेशन किस प्रकार का है। और ये जो कैफ़े आप लोग पीछे जो देख रहे हो ये इतना सा एरिया में, अब ये इतना एरिया नहीं है, इसके अभी बगल में भी है। सो मैं आपको बगल का भी रिव्यू करता हूँ। फिलहाल अभी यहाँ का रिव्यू करते हैं कि यहाँ का क्या है क्या नहीं। ऐसे हम लोग गेट से अगर अंदर एंट्री करते हैं तो अंदर एंट्री करने का जो कुछ सीन है वो हमें कुछ इस प्रकार का दिखता है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साइड में इस यहाँ पे टेबल लगा रखे हुए हैं एंड इस साइड भी साइड में टेबल है। एंड अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इस साइड भी हमें टेबल देखने को मिलता है, इस साइड भी टेबल एंड इस साइड भी टेबल। तो एग्जैक्ट टोटल 1 2 3 4 5 6 टेबल है यहाँ पे लगे हुए और वहाँ पे जो है वो काउंटर है। तो ये जो है ये स्पेशली मतलब फैमिली के लिए है, तो यहाँ पे जो भी आते हैं नॉर्मल फैमिली लोग वो लोग यहाँ पे स्टे करते हैं। एंड इसके जस्ट बगल में है वो है कपल्स के लिए केविन एंड उसको हम लोग बोलेंगे कपल जोन। सो कुछ इस प्रकार का है। एंड वाइज यहाँ पे आप लोग वॉलपेपर देख सकते हो कितना तगड़ा लग रहा है, बहुत तगड़ा लग रहा है। मैं कैसा लग रहा हूँ वैसे, अच्छा लग रहा हूँ ना। हाँ सो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें स्टिकर देखने को मिलता है एंड ऊपर में अब जो बाइट मी का जो यहाँ पे बैठने के बाद जो हमें देखने को मिलेगा वो यहाँ पे ये मेन्यू देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मेन्यू दे रखा है, यहाँ पे आप लोग मेन्यू देख सकते हो। मेन्यू को अगर हम फर्स्ट लें यहाँ पे लिखा हुआ है बाइट मी कैफे एंड कॉल, यहाँ पे आप लोग कॉल करके यहाँ पे आप लोग ऑर्डर भी कर सकते हो। ओपन यहाँ पे डेट टाइम लिखा हुआ है 10 AM से 10 PM तक रहता है, इंजॉय गुड। एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस कुछ इस प्रकार, यहाँ पे बड़ा में नंबर भी दे रखा हुआ है भाई ने। एंड यहाँ पे ये प्रॉपर एड्रेस है। सो गाइस एड्रेस वैसे मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से एड्रेस को पढ़ सकते हो। एंड कुछ इस प्रकार का है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्री ऑफ डिलीवरी ऑन ऑर्डर अबव 300, मतलब आप लोग अगर 300 तक का कुछ ऑर्डर करते हो ना तो आप लोग को जो डिलीवरी है वो फ्री मिल जाता है। एंड फिलहाल अभी ओपन करते हैं, देखते हैं यहाँ का जो रेंज है वो किस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शॉप है, यहाँ पे स्टार्टर्स है एंड
कबाब नॉनवेज है। सबसे पहले आप देख सकते हो यार एकदम नॉर्मल रेंज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 80, 90, 120, 15, 120, 200। सो फिलहाल अब इस पेज को लटते हैं एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बर्गर रोल्स नूडल्स डिज़र्ट रोटी नॉनवेज दाल। सो गाइस यहाँ पर लोग रेंज भी देख लो यार कितना है 50, 60, 90, 110, 60, 85, 150, 100, 130, 140, 99। एंड इस साइड अगर हम लोग आते हैं रोटी में तो आप लोग इस साइड का भी देख सकते हो यहाँ पे नॉनवेज में आप लोग देख सकते हो नॉनवेज का भी जो रेट है वो ज़्यादा नहीं आप लोग को देखने को मिलेगा 110, 190, 180, 220 कुछ इसी प्रकार का है। एग करी है 110 का, चिकन मसाला है 200 का, चिकन बटर मसाला है 180 का, चिकन हांडी है 170 का, कुछ इसी प्रकार का है गाइस यहाँ पे। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेंज हम लोग को देखने को मिलता है। सो फाइनली फ्रेंड्स फिलहाल अभी अंदर आ चुके थे और अंदर आते आते भाई अभी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे दिए हैं पीने के लिए और फिलहाल अभी इसको फिनिश करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने मंगाया वेज बिरयानी एंड ये काफ़ी देखने में आप लोगों को स्वादिष्ट लग रहा होगा। इसको देखते हैं टेस्ट कर ये कैसा है क्या। यहाँ पर टेस्ट यार काफ़ी बेस्ट है, मज़ा आ रहा है मतलब खाने में काफ़ी स्वादिष्ट है। तो यहाँ पे हमें हैंड वॉश करने को देखने को मिल जाता है, यहाँ पे ये शॉवर लगा हुआ है सो काफ़ी बेस्ट है एंड ये मिरर के जो बगल में जो लाइट लगा रखा है ना ये काफ़ी मतलब देखने को सुंदर मिल रहा है तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ का जो डेकोरेशन है। फ्रेंड्स यहाँ का आप लोग व्यू देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है एंड बाहर देख सकते हो अभी ये शाम के अभी 8 बज रहे हैं एंड बाहर यहाँ का आप लोग गाइस व्यू देखो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है एंड ये जो लाइट बढ़ रहा है एंड ये लोग जो ये जो हवा से ये जो ऐसे लहरा रहा है यार गजब का व्यू लग रहा है एंड सामने वो बिल्डिंग तो और ख़तरनाक लग रहा है एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2 चेयर ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। फिलहाल अभी चलते हैं इसके अंदर में और अंदर का आप लोगों को दिखाते हैं कि अंदर का जो व्यू है वो क्या है क्या नहीं। वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये केविन है तो मैं केविन नहीं ये कपल जोन बोलूंगा क्योंकि ये कपल्स के लिए स्पेशली है। तो फिलहाल अभी चलते हैं कपल जोन में एंड अंदर का आप लोगों को रिव्यू करवाते हैं। फिलहाल अभी आ चुके हैं यहाँ पे और आपको जो पीछे जो दिख रहा है ना ये केविन टाइप का जो यहाँ पे बना रखा है प्लास्टिक का ये है कपल जोन एंड मतलब इसको हम लोग केविन भी बोल सकते हैं स्पेशली ये कपल जोन है। और देखिए यहाँ पे किस तरह से बनाया गया है यहाँ पे कपल जोन को सो कुछ इस तरह का है यहाँ पे। और फिलहाल अभी आते हैं अंदर और अंदर का दिखाते हैं कि अंदर का जो व्यू है वो किस तरह का हमें दिखता है। और ये जो हमें ये दिख रहा है ये फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे बाइक में कैफे का यहाँ पे ये लिखा हुआ है टैग और यहाँ पे कुछ स्टिकर्स वगैरह लगा रखे हैं साइड में जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव। सो गाइस फिलहाल अभी इसको ओपन करते हैं एंड अंदर का आपको दिखाते हैं कि अंदर का जो व्यू है वो किस तरह का हमें दिखता है। कपल्स लोग अगर यहाँ पे अगर आते हैं स्पेशली सो अंदर का देखिए यहाँ पे इंटीरियर क्या ही तगड़ा लग रहा है यार आप लोगों को शायद दिख रहा होगा एंड यहाँ पे जो है इतना छोटा सा सीट है हमें बैठने के लिए मिल जाता है एंड ये जो आप गेट देख रहे हो ना ये गेट कुछ इस तरह से ऐसे लग जाता है जो कि कपल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और सिक्योरिटी है फुल सिक्योरिटी है जो कि आपको यहाँ से मुझे नहीं लगता यहाँ के अलावा और कहीं केविन में आपको मिलेगा यहाँ का सिक्योरिटी। यार यहाँ का लोग पीछे का वॉलपेपर देख सकते हो यार कितना ज़्यादा भयंकर एंड तबाही लग रहा है सबसे ज़्यादा मुझे खतरनाक ये लग रहा है एंड फिलहाल अभी पीछे वाला केविन को भी रिव्यू करते हैं थोड़ा बहुत एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे केविन के साथ साथ आप लोग समझ में आ रहा होगा यहाँ पे ऊपर में लव लिखा हुआ है और यहाँ पे फैन भी लगा रखे हैं ताकि कपल्स लोग जो गर्मी ना लगे। फिलहाल तो वैसे एसी यहाँ पे लगा हुआ है उनके लिए और एक कपल्स में आते हैं जो कि बड़े लोग होते हैं जैसे कि ग्रुप में भी लोग आते हैं ना कपल्स में एक लड़के लड़की आज उनकी फ्रेंड लोग होते हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत बड़ा स्पेस चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे पीछे में बनाया गया हुआ है एंड यहाँ पे दो मतलब बनाया हुआ तो वैसे यहाँ पर लोग देख सकते हो यहाँ से ये कुछ दरवाज़ा ओपन करने का है एंड यहाँ से हम लोग जैसे ही कि ये डोर को ओपन करते हैं तो फिलहाल अभी आते हैं इसके अंदर और अंदर का देख सकते हो अंदर का जो इंटीरियर है वो कुछ इस तरह का हमें दिखा है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है सो मज़ा आ रहा है। यहाँ पे भी ब्रांडिंग दे रखा है बाइट मी कैफे का और मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे ना मतलब एक अच्छा सा फील आ रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये पंख बनाया हुआ है क्या मस्त लग रहा है अच्छा लग रहा होगा ना व्यू ऐसे हाँ मज़ा तो आ रहा होगा देखने में। वैसे फोटो लेंगे ना तो ये भी तगड़ा आएगा एंड यहाँ का साइड में आप लोग वॉलपेपर भी देख सकते हो यार कपल्स के लिए कितना तगड़ा लग रहा होगा जब बैठेंगे ना तो उनको यार क्या ही फील आएगा मतलब एक अलग सा एक रोमांस रोमांटिक टाइप का फील आएगा रोमांस बोल रहा हूँ गलती से। और एंड यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे ये यहाँ का मेन्यू आप लोग यहाँ का मेन्यू भी देख सकते हो सो देख सकते हो यहाँ पे नोबिता एंड सिजुका है सो मतलब कि अच्छा लग रहा होगा ना नोबिता एंड सिजुका का जोड़ी तो सबको पता है और ये चेयर की वजह से आप लोग को वैसे लग रहा होगा सो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। सो जो बैठेंगे अगर ग्रुप में भी जो लोग आते हैं जो ग्रुप में भी जो लोग आएंगे उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है सो उनको एक अलग टाइप का फील आएगा यहाँ पे आने के बाद। और मैं तो यही कहूँगा ना कि जो लोग ग्रुप में अगर जो कपल्स अगर आना चाहें सो वो दो कपल्स आ सकते हैं उनके साथ अगर अपने फ्रेंड को लेकर आना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा ये जगह ये प्लेस। एंड इसके जस्ट बगल में इस साइड सेम ऐसा ही बनाया गया हुआ है बट वहाँ का जो डेकोरेशन है वो कुछ अलग तरीके से किया हुआ है सो चलिए वहाँ का दिखाते हैं। फिर यहाँ से फिलहाल तो अभी निकलते हैं
हैं और ये गेट आप लोग देख सकते हो। फिलहाल मैं इस गेट को अभी क्लोज कर देता हूँ एंड इसके जस्ट अपोजिट साइड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ से जो है वो डोर ओपन करने का है। सो फिलहाल अभी इसको ओपन करते हैं एंड फिलहाल अभी इसके भी अंदर चलते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह का है। इसके भी ये जस्ट अपोजिट साइड ही हम बोलेंगे एंड यहाँ पे आइए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे ही हम आते हुए हैं तो यहाँ पे भी मैं पहले बैठ कर देखता हूँ कि यहाँ का जो फील है वो कैसा था कैसा नहीं है क्या। यहाँ पे ये कुछ डेकोरेशन का सामान है जो मतलब गिर गया है। सो फिलहाल अभी इसको साइड करते हैं एंड यहाँ पे भी आप लोग यहाँ का व्यू देख सकते हो यार गाइस, गजब का आ रहा है। मतलब एक अलग टाइप का एक फील आ रहा है। मतलब अब तो मुझे मन कर रहा है ना कि मैं यहीं पर आ जाऊँ और मतलब काफ़ी ज़्यादा बेटर है यार। मतलब कि मैं मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक कभी ऐसा इस टाइप का कैफ़े मैंने कभी एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में। सो मुझे यहाँ पर आके एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस आ रहा है। सो जो भी लोग कपल्स लोग होंगे एग्जैक्ट मैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कपल्स लोग यहाँ पे आइए और काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आपको एक अलग टाइप का एक एक्सपीरियंस और एक अलग टाइप का एक रोमांटिक टाइप फील होगा। सो मतलब काफ़ी बेटर है। सो फिलहाल अभी दिखाते हैं यहाँ का वॉलपेपर किस तरह का है। पीछे आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा ही किया हुआ है यहाँ पे एंड पंख टाइप का लगा हुआ है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मिल जाता है टिश्यू पेपर रखा हुआ है, यहाँ पे ग्लास मिल जाता है, यहाँ पे ये फूल पॉट रखा हुआ है यहाँ पे फूल, तो सो काफ़ी अच्छा लगा देखने पे। यहाँ पे मेन्यू रखा हुआ है, सो हमें मेन्यू मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्जैक्ट। एंड इस साइड भी आप लोग देख सकते हो ये लव लिखा हुआ है एंड अगर इस साइड वाला वॉलपेपर देखो भाई साहब ये तो भाई गजब का वॉलपेपर लग रहा है। मतलब कि अलग सा ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे देखने में वॉलपेपर। सो काफ़ी बेस्ट बनाया हुआ है। सो देख सकते हो क्या ही लुक आ रहा है यहाँ पे और एंड इसके जस्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे सो गाइज ये भी आप लोग देख सकते हो नोबिता एंड सिजुका का यहाँ पे लगा हुआ है। सो ये वाला वॉलपेपर जो आप देख रहे हो ना ये मैंने अपने एक समय पे मैंने अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा रखा था वॉलपेपर। सो देखो यार कितना ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। सो मुझे लग रहा है उस साइड वाला से ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है नोबिता एंड सिजुका का। एंड गाइज ये देख सकते हो कितना ज़्यादा तगड़ा लग रहा है नोबिता सिजुका एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो यार जो कपल्स लोग जो वहाँ पे जो उस साइड जो बैठेंगे उन लोगों अगर सामने अगर ये चीज़ देखने को मिलेगा तो उन लोगों को यार गजब का एक फील होगा। सो चलिए कोई नहीं, यहाँ पे आप लोग गेट देख सकते हो। फिलहाल इस गेट को क्लोज करते हैं एंड गाइज ये जो इतना दूर का जो एरिया है ना ये पूरे तरह से अभी पैक हो चुका है। सो यार सोचो यार एक जो कपल्स आएंगे उनके लिए यार कितना ये बेटर एंड सिक्योरिटी वाला चीज़ होगा, उनको किसी भी तरह का कोई फील नहीं होगा। जैसे कपल्स लोग जो होते हैं एग्जैक्ट वो फिलहाल तो मतलब कि कहीं जाते हैं अगर कहीं रेस्टोरेंट में तो उनको एक अलग टाइप का अनसिक्योर टाइप वो फील करते हैं, बट यहाँ जो आएंगे कपल्स लोग उनके लिए ये ऐसा कुछ नहीं होगा। सो स्पेशली यहाँ इस चीज़ को इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कपल्स के लिए। सो गाइस इसको तो फिलहाल अभी लगा दिए हैं, फिलहाल अभी चलते हैं जो स्पेशली जो दो कपल्स आएंगे ओनली ज़्यादा लोग नहीं। सो इसके अंदर बैठ के देखते हैं कि यहाँ का जो फील है वो कैसा आता है। एंड गाइस यहाँ पे मैं बैठ चुका हूँ और ये इतना ही सा स्पेस है एक बॉय एंड एक गर्ल जैसे जिसको हम बोलते हैं कपल्स तो उनके लिए एग्जैक्ट है। यहाँ पे आप लोग वॉलपेपर देख सकते हो, मुझे जो सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत वॉलपेपर लगा वो यही लगा एंड मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। सो देखने में ऊपर में यहाँ पे लव लिख रखे हैं एंड यहाँ पे देखिए गाइस ज़्यादा एरिया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो इतना तो कुछ एरिया में बच जाता है। जो मेरे पार्टनर होंगी जो आएंगी मेरे साथ वो बैठेंगे, मेरे साथ ही नहीं आप लोग के साथ भी आ सकते हैं जो आप उन्हें लेकर आना चाहोगे। सो फिलहाल तो मैं वैसे अभी अपने भाई के साथ आया हुआ हूँ। जिनके लाइफ में होंगी कपल्स पार्टनर जो खुश होंगे अपने लाइफ से वो यहाँ पर आइए और अपना टाइम एक्सपेंड करिए यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगा आप लोगों के लिए। सो मैं तो यही कहूँगा यार जो कपल्स लोग जो अननोन कोई प्लेस पे जाते हैं और वहाँ पे अनसिक्योर टाइप फील करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को उतना ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता होगा। कहीं भी आप अगर कैफ़े जाओ रेस्टोरेंट जाओ तो मुझे नहीं लगता इतना इससे ज़्यादा कहीं सिक्योरिटी आपको कहीं भी कोई रेस्टोरेंट या फिर कैफ़े में देखने को मिलेगा जितना यहाँ पे है। कि जो भी कपल्स लोग होंगे वो इस जगह इस कैफ़े में एक बार तो ज़रूर आकर आप लोग यहाँ पे विजिट करो, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील करोगे एंड आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा कुछ तो नहीं। एंड मैं दिखाता हूँ यार एक चीज़ यहाँ का और भयंकर है, मैं वो दिखाता हूँ। जो भी पार्टनर होंगे एग्जैक्ट उनके लिए ये स्पेशली बनाया गया है। वैसे यहाँ पे फैमिली भी आते हैं बट फैमिली अंदर नहीं आते केबिन में। और आप लोग को बताना था कि यहाँ पे जो है ना ये लाइट अभी जो जलते हुए दिख रहा है ना ये लाइट ऑफ होता है। मैंने फिलहाल अभी इसको ऑन करवाया है स्पेशली वीडियो बनाने के लिए। सो फिलहाल अभी इस लाइट को ऑफ करते हैं, देखते हैं कि लाइट ऑफ करने के बाद जो व्यू है वो किस तरह का हमें दिखता है। यहाँ
पे आप लोग देख सकते हो लाइट ऑफ करने के बाद जो व्यू है कुछ इस प्रकार का दिखता है। बेस्ट है बाइट मी कैफे। सो देख सकते हो यहाँ पे लाइट ऑफ होने के बाद जो व्यू है कुछ इस प्रकार का है। मैं जो लाइट ऑन करके मैं जो वीडियो शूट किया हूँ ना वो मैं इसलिए किया था क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था, इसलिए मैंने लाइट ऑन करवाया था। एंड लाइट ऑफ रहता है वैसे एग्जैक्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्लू शेड में यहाँ पे लाइट ऑन है। सो काफ़ी बेस्ट लग रहा है। फिलहाल गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं फिलहाल मैं आगे यहाँ पे वीडियो शूट कर लिया एंड अच्छे तरह से आप लोगों को एक्सप्लोर कर दिया। आई होप आपको हमारा आज का ये जो वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स आप लोगों को हमारा आज का ये जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस मिलते हैं जल्दी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।